स्थानीय नियोजन नीति रद्द होने के बाद छात्रों का उलगुलान और प्रदर्शन कराची में देखने को मिल रहा है। छात्र नेता देवेंद्र महतो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ विरोध हो रहा है स्थानीय नियोजन नीति रद्द करने को लेकर। जी, स्थानीय नियोजन नीति रद्द होने के बाद इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि यह सरकार सोच समझ के एक साजिश के तहत एक ऐसा नियोजन नीति बनाई थी जो गैर संवैधानिक था, जो गैर कानूनी था, और हम छात्रों को रोजगार नहीं देंगे, और वो अपना मंशा में कहीं ना कहीं सफल भी हुए। इसीलिए हम लोग इसका निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं। और आज हम लोग झारखंड की राजधानी रांची का अल्बर्ट का चौक में लाखों की संख्या में छात्र आप लोग पुतला भी फूंक रहे थे, कौन थे, किनका पुतला फूंक रहे? वही कह रहे कि आज झारखंड की राजधानी रांची का अल्बर्ट का चौक में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पुतला दहन कर दिए हैं। पुतला दहन इसलिए कि झारखंड के छात्रों को इन लोग रोजगार दिलाने चाहते हैं, एक ऐसा गलत नीति लाते हैं जो रद्द होना तय है। अब आगे आगे क्या कुछ नीति है? अब लड़ाई आर पार का होगा। सोमवार को ऐतिहासिक रांची बंद करने का हम लोग काम करेंगे, और हम आह्वान करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि सोमवार को तमाम दुकान हो, दाढ़ी हो, घोड़ा हो, ठेला हो, सब चीज बंद रहेगा उस दिन। और अपना झारखंड के छात्र चट्टानी एकता का परिचय दिए थे हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र महतो। हम आपको आगे की तस्वीर दिखाएंगे कि छात्र जो है वो सड़कों पर बैठ चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, खास करके स्कूली बस जो है वो भी यहाँ पर बाधित हो गई है, सड़क पर फंसे हुए हैं। क्या लगता है, इस तरह के विरोध से कई लोगों को परेशानी हो रही है, छात्र भी फंसे हुए हैं, स्कूली बच्चे फंसे हुए हैं? हम लोग जो इतना साल से झेल रहे हैं, इतना साल से हम लोग झेल रहे हैं, यहाँ पर नियोजन नीति गलत बनाई जाती है। अभी तो एक मतलब हम लोग इसी तरह चलते फिरते आ गए हैं, अगर हम लोग योजना बना के आए तो पूरे झारखंड को, वो झारखंड को यहाँ का युवा बंद कर सकते हैं। स्कूली बच्चा और एम्बुलेंस भी पीछे फंसा हुआ है। हम भी स्कूली बच्चा, स्कूल बच्चा क्या करेगा बात, जब नौकरी ही नहीं देंगे तो स्कूली बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले कि रोजगार चाहिए, नियोजन नीति जो सरकार बनाती है इसको बार बार जो बना रही है और रद्द हो रहा है, ये सरकार का नियत है और छात्रों को यहाँ मतलब कि दुर्बल बनाने के काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो सरकार की नियति पर विभिन्न गंभीर आरोप लगाते हुए छात्रों का कहना है कि सीधे तौर पर सरकार ने हमारे साथ छलावा किया है। ऐसे में इनका विरोध भी सड़कों पर देखने को मिल रहा है और मुख्यमंत्री और सरकार का पुतला भी फूंका जा रहा है। अब देखना होगा कि छात्रों के विरोध के बाद सरकार की ओर से क्या कुछ पहलकदमी होती है, आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस रांची।